अमेरिका के डॉलर ने दिखाया रोब। F-35 बना अमेरिका की मुसीबत। भारत और रूस नई करेंसी की करेंगे खोज। दोस्तों आपको हम बता दें कि अमेरिका ने जो तरीका अपनाया पूरी दुनिया पर राज करने के लिए, वे तरीका बहुत कठोर था। उसे सबसे पहले अपना प्रतिनिधि दिखा सोवियत संघ, इसलिए उसने अपनी चाल चली और सोवियत संघ को आपस में तोड़ दिया। इसके बाद अमेरिका ने उन देशों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जिसने अमेरिका के अलावा किसी और देश से हथियार खरीदा या रूस से हथियार खरीदा है। ऐसे में हर उस देश पर अमेरिका प्रतिबंध लगाता हुआ चला जाएगा जिसने हथियार रूस से खरीदा है। आपको हम बता दें कि अमेरिका के पास एक ऐसी चीज और पाई जाती है जिसकी मदद से वे पूरी दुनिया पर राज करता है। जैसा कि आपको पता होगा, अमेरिका का डॉलर, जो कि पूरी दुनिया में इसी के माध्यम से व्यापार होता है, और अमेरिका के पास अब ये कारण है कि वो पूरी दुनिया पर डॉलर की मदद से राज कर सकता है। और अब खबर ये निकल कर आ रही है कि चीन ने भी कहा है कि वे अपनी करेंसी पर व्यापार सिस्टम को चालू करेगा, और वही यूरोप यूनियन भी अपनी करेंसी पर व्यापार करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि सभी देशों को डॉलर के वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अमेरिका को जब भी नजर आता है कि कोई भी प्रतिनिधि बढ़ रहा है तो अमेरिका तुरंत डॉलर में प्रतिबंध लगा देता है, और प्रतिबंध लगाने का असर ये देखने को मिलता है कि कोई भी देश फिर कोई सामान डॉलर से नहीं खरीद पाता है और उस देश का नुकसान होना शुरू हो जाता है। आपको हम बता दें कि डॉलर पर जब प्रतिबंध लगता है तो दो देशों का व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, दुनिया के जितने भी ज्यादातर देश है वे अपने व्यापार को डॉलर में ही खड़ा करते हैं। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि कोई भी देश डॉलर की करेंसी को अपने ही देश में आसानी से बदल सकता है, लेकिन जब कोई और देश की करेंसी उस देश में आती है तो वे मान्यता पर टिकती है। इसको समझाने के लिए थोड़ा आसान बनाते हैं। आप मान लीजिए रूस की करेंसी भारत में आती है, भारत इस करेंसी को अमेरिका में चलाने की कोशिश करेगा तो यह करेंसी चलेगी नहीं, ऐसे में भारत को नुकसान हो जाएगा। जिस जिस देश में रूस की करेंसी चलती है खाली इस करेंसी की मान्यता उसी उसी देश में होगी, बाकी देशों में यह किसी काम की नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर लगभग हर देश में मान्य है, और ये भी सच है कि ज्यादातर देश रूस की करेंसी को मान्यता नहीं देंगे। इसके पीछे वजह अमेरिका है। ऐसे में अगर आपके पास रूस की करेंसी ज्यादा हो जाएगी तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। और जैसा कि आपको पता भी होगा, रूस को अपने डॉलर सिस्टम से बाहर कर चुका है अमेरिका। सभी देशों को ये चीज दिखने लगी है कि अमेरिकी डॉलर को अमेरिका एक बहुत बड़ी शक्ति बनाकर अपने पास रखा हुआ है। इसकी तोड़ निकालना बहुत जरूरी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सभी देश चाहते हैं कि उनकी अपनी करेंसी में व्यापार हो, लेकिन आपको हम बता दें कि ये सारा तंत्र बनाने में अभी भी उनको काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है, और मार्केट को पकड़ने में भी उनको काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है। चीन भी इसी कोशिश में लगा हुआ है कि वे अपनी करेंसी युआन को इंटरनेशनल व्यापार के रूप में यूज करे, लेकिन इसमें भी अभी काफी ज्यादा वक्त लगेगा। और दूसरी तरफ आपको याद होगा, भारत और रूस की डील हुई थी S-400 को लेकर। उस समय भारत ने रूस को पेमेंट कर दिया था पहले फेज का डॉलर में। पहले S-400 की डील तो हो चुकी है और बाकी के 4 S-400 की डील होनी अभी भी बाकी है। अब दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ी परेशानी सामने आ गई है, क्योंकि आपको हम बता दें कि अमेरिका ने अपने डॉलर पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ऐसे में भारत रूस को बाकी के 4 S-400 के पैसे किस मुद्रा में देगा? लेकिन इसको लेकर रूस ने कहा कि अब रूसी मुद्रा और भारत के रुपए में हम लोग व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इससे भी भारत को बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। ऐसे में अगर हमने रूसी करेंसी अपने देश में ले ली और फिर इसे दूसरे देश में चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये चलेगी नहीं। ऐसे में घूम फिर कर बात वही आ जाती है।
आपको हम बता दें कि इसका भी एक हल हो सकता है। अगर हम रूस की मुद्रा से रूस के ही सामान का व्यापार करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको हम बता दें कि अभी यह मामला अटका हुआ है कि दोनों देश आखिर किस मुद्रा में पेमेंट करेंगे। भारत चाहे तो डॉलर में पेमेंट कर सकता है, लेकिन बात वही है कि अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से भारत डॉलर में पेमेंट नहीं कर पाएगा। इसी को लेकर अभी रूस और भारत में काफी ज्यादा मुश्किलें पैदा हो रही है। तो वही दूसरी तरफ आपको पता होगा, अमेरिका का F-35 जिसको बहुत आधुनिक जेट भी माना जाता है, वे भूमध्य सागर के पानी में गिर गया था और काफी गहराइयों में पानी के अंदर चला गया था। ये घटना वैसे तो 7 नवंबर को हुई थी और जैसे ही ये घटना हुई थी, इसको सुनने के बाद अमेरिका के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि ये जिस एरिया में जाकर गिरा था यह रूसी नौसेना का इलाका लगता है। जैसे ही अमेरिका के कानों में यह खबर पहुंची कि क्वीन एलिजाबेथ से अमेरिका का F-35 भूमध्य सागर में क्रैश हो गया है, वैसे ही अमेरिका ने अपनी नौसेना को भेज दिया इसे ढूंढने के लिए और 7 नवंबर से ही उस पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई। आपको हम बता दें कि इसके बाद रूस ने भी अपने गोताखोरी को पानी में उतार दिया इसे ढूंढने के लिए। अमेरिका नहीं चाहता था कि अमेरिका का F-35 रूस के हाथ लग जाए, क्योंकि इसमें सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी F-35 की। इसलिए अमेरिका ने तुरंत इसे खोजने के लिए अपनी नौसेना को पानी में उतार दिया। वही रूस ने भी इसे ढूंढने के लिए अपने गोताखोरों को पानी में भेज दिया। आपको हम बता दें कि रूस ये चाहता था कि कैसे भी करके अमेरिका का F-35 रूस के हाथ में लग जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन रूस को मिल जाती जिसकी मदद से वे इस F-35 के विमान की काट को निकाल सकता था। ये वे विमान है जिसको अमेरिका अपनी महाशक्ति के रूप में देखता है। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि अमेरिका इन विमानों का इस्तेमाल बहुत खास मौकों पर ही करता है। अगर हम इसे ऐसा कहते हैं कि अमेरिका इसे अपनी रीढ़ की हड्डी की तरह इस्तेमाल करता है, तो ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा। यह बात रूस भी बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वे भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वे F-35 विमान को खोज निकाले, क्योंकि इसके अंदर इसको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यही वजह है कि दोनों देश लगातार इसे खोजने की कोशिश कर रहे थे। आपको हम बता दें कि अमेरिका और यूके की सेना 7 नवंबर से ही इसे ढूंढने के लिए भूमध्य सागर के इस इलाके में लगी हुई थी। उनको ये पता तो चल गया था कि कहां पर ये F-35 गिरा है, लेकिन ब्रिटेन की सेना के लिए इसे निकालना बहुत मुश्किल था। जब ब्रिटेन ये बात समझ गया कि यह विमान उससे अकेले से नहीं निकल पाएगा, तो उसने मदद मांगी अमेरिका की। और जब अमेरिका को पता चला कि उसका विमान मिल चुका है, तो वे तुरंत ही अपने उपकरण को लेकर निकल पड़ा इस जगह के लिए। आपको हम बता दें कि 2 हफ्ते की मेहनत के बाद इन लोगों ने F-35 खोज कर निकाला था कि कहां पर यह विमान गिरा हुआ है। और आपको हम ये बता दें कि 2 हफ्ता तो सिर्फ इन्हें विमान को ढूंढने में लग गया, वही 1 हफ्ता इन्हें विमान को निकालने में लग गया। और बहुत मेहनत के बाद उन्होंने इसको बाहर निकाला। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि इनके लापरवाही से इनका एक पार्ट पानी के अंदर ही रह गया था, और फिर ये लोग पानी में उतरे और 1 महीने की मेहनत के बाद तब जाकर उन्हें पूरी तरीके से सफलता मिली और उन्हें इनका टूटा हुआ पार्ट भी मिल गया। अमेरिका ने इसे निकालने के लिए अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, तब जाकर उसे सफलता मिली है। अगर ये हथियार रूस के हाथ में लग जाता तो रूस जरूर इसका तोड़ निकाल लेता। यह बात अमेरिका अच्छे से जानता था, तभी उसने भूमध्य सागर के अंदर F-35 का एक भी पार्ट रहने नहीं दिया। आपको क्या लगता है, भारत और रूस करेंसी वाली परेशानी से जल्दी बाहर निकल पाएंगे या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।